पुलिस और एजेंसियों की शुरुआती पूछताछ में पाकिस्तान को आधी आबादी के लिए दलदल बताने वाली सीमा हैदर के सुर अब बदलने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक वतन वापसी की आशंका को देखते हुए सीमा अब वहाँ महिलाओं की दशा अच्छी होने की बात कहने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सीमा हैदर ने कहा कि पाकिस्तान के शहरों में भी लड़कियों को आज़ादी है, वो घूम सकती हैं और फैशन कर सकती हैं, लेकिन जहां से मैं आई हूं, वहां महिलाओं के साथ आज भी बुरा बर्ताव किया जाता है। पहले सीमा ने कहा था कि समूचे पाकिस्तान में महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, महिलाएं बंधन में रहती हैं, भारत में उनको आज़ादी है और वे पुरुषों से कदम मिलाकर चल सकती हैं। मनोचिकित्सक के मुताबिक सीमा को अब लगने लगा है कि भविष्य में उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान और वहाँ के लोगों के बारे में अब जानबूझकर अच्छा बोल रही है। खुले मन से सीमा सचिन के प्यार के लिए भारत में ही रहने की बात करती है, पर दबे मन से पाक के बारे में अब सोच समझ कर टिप्पणी कर रही है। प्रश्न पूछने पर अब वकील से बात करने के लिए कहती है। यह बात भी सामने आई है कि आधार कार्ड और शादी सहित सभी जानकारी सचिन की बुलंदशहर में रहने वाली बुआ और उनके बेटों समेत अन्य रिश्तेदारों को भी थी। इसी बिंदु पर एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सचिन की बुआ के बेटों के संपर्क में सीमा भी थी। सचिन के कई रिश्तेदारों से एजेंसियां आगामी दिनों में पूछताछ कर सकती है। सचिन और सीमा के रिश्ते के बारे में उनसे पूछताछ की जा सकती है। ट्रैवल एजेंट को पैसा भेजने और नेपाल में रुकने के दौरान भारतीयों से संपर्क करने के बारे में भी पूछा जाएगा। सभी से अलग अलग पूछताछ करने के बाद उनके बयानों का मिलान किया जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।